about Dallas and make it hurt. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है। सो गाइस, जो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई आज मैं लेके जाने वाला हूँ भाई भवाली की सबसे बड़ी ऊंची चोटी। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह लगा दी हमने पार्किंग में, तो अभी ये देख सकते हैं सामने दिख रहे हैं भवाली हमारा रेहड़ वगैरह का नज़ारा है। तो अभी ऊपर को हम जा रहे हैं और यहाँ से हम पैदल वगैरह चल रहे हैं, और मेरे साथ जो आज हैं वो हमारे हैं ललित जी, मिलेंगे ये हमारे ललित जी का घोड़ा खाद भीमताल वगैरह का व्यू दिख रहा है, वो आपके छोटा क्लास है। हाँ, वो जो पहाड़ दिख रहा है बीच में। तो गाइस, जो अभी देख सकते हैं आप, ये छोटा सा एक दिख रहा है, ये है छोटा क्लास, और ये है अपना कर्कोटक मंदिर, और ये रहा अपना भीमताल, और ये हमारा उजाला का एरिया, इधर की साइड रहा घोड़ा खाल, तो यहाँ दिख रहा है अभी, और ये अपना अभी छोटी सी भवाली दिख रही है अभी। तो फिलहाल आगे ऊपर चलते हैं हम, और ऊपर दिखाएंगे कि आपको भाई कि कितने बढ़िया भवाली दिखती है ऊपर से, और अभी ऊपर जाएंगे उतना अच्छा लगेगा। तो आज भाई हमारी पूरी फुल ट्रैकिंग होने वाला है अभी हमारा, और आज हम जाने वाले हैं भवाली की सबसे ऊंची चोटी भैया, तो देखते हैं कि क्या होता है। और वहाँ पर एक मंदिर बढ़िया सा, और वहाँ आज भंडारा, तो क्या आज का जो ब्लॉग है वो दिन से स्टार्ट हो रहा है, और हम चलते हैं अभी आगे की ओर। सो गाइस, अभी हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और हमारी ना सांस वगैरह फुल ली है, और आप देख सकते हैं पीछे, तो यहाँ पर अभी जंगलनाथ फॉरेस्ट हाउस है इधर। और तो आपने देखा होगा, अगर आप भवाली आएंगे तो जहाँ टावर लगे हैं ना टॉप में, तो अभी वहीं की एरिया में जा रहे हैं, पार चले गए, उससे पार चले गए अभी हम। और कुछ लोग ऊपर से आ भी रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ लोग ऊपर को चढ़ रहे हैं। तो अभी तो सामने से अंकल जी आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि अभी कितना दूर जाना है, और मैं भी नहीं गया हूँ इससे पहले। हो एक बार गया था गोल मार के एक बार गया था स्कूल टाइम में पेड़ वगैरह गोल मार के, और उसमें भी हम लोग ना रास्ता भटक गए थे। जी कितना ऊपर आ रहे हैं? एक किलोमीटर से ऊपर है अभी, रास्ते तो सही जा रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा वैसे जाएंगे ना हम। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल। तो अंकल जी ने भी बता दिया रास्ता, अंकल जी बोल रहे हैं अभी ये ऐसे करके जाना आप। तो अभी अभी पता है दो किलोमीटर अभी और चलना ऊपर को हमें। भाई हालत खराब हो गई, और अभी संजय भाई बैठे इधर हमारे, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, कैसे हाल है? चलो फिर आते हैं, चलो भाई सांस फूल गया हमारी तो। ये भी भाई लोग भी आ रहे हैं ऊपर अभी, ये भी रेस्ट कर रहे हैं, और हम जाएंगे अभी ऊपर थोड़ा, वहाँ पर मैदान जैसा टाइप का है। ओह माय गॉड, हाय कैसे हमसे बताए ट्रैकिंग में ना हालत खराब हो जाती है, और जब ऊपर से आप इतना साल बाद चल रहे होते हैं दूर, छोटी मोटी तो झेल लेते हम, इतनी बड़ी ट्रैकिंग नहीं झेल पाएंगे भैया। लेकिन हम सिर्फ कर रहे हैं एक्सपीरियंस कराने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, बिल्कुल गाइस। फिर जैसे जैसे शेयर और व्यूज़ बढ़ेंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा, फिर सबके अकाउंट में 15-15 लाख देंगे। कृपया करके इसको सीरियस ना ले। Ah.
सो गाइस अभी हम दोनों पहुंच चुके हैं टॉप में और इधर थोड़ा मैदान वगैरह आ गया है। तो ललित जी कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ भाई। सेम ईयर ब्रो। और अभी क्या ही बढ़िया नज़ारा है भाई यहाँ पे, काफी गाय वाय भी आती है शायद। हाँ इधर गाय वगैरह भी आती है, वगैरह आती है, देखो कुन्ने वो कर, गोबर कर। तो फिलहाल तो अभी जंगल के बीच होते हुए हमें मोस्टली टॉप में जाना है और यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ बुरास का फूल है यहाँ पर। सो गाइज अभी ये आप देख सकते हैं ये बुरास का पेड़ है और अभी हम जा रहे हैं सीधे ऊपर को। तो दोस्तों अभी हमने रेस्ट वगैरह कर लिया था और ये पेड़ वगैरह काफ़ी बढ़िया है भाई। और यहाँ से ये देखो अपना वाली का नज़ारा। आज हम परिंदों से भी ऊपर है मेरे दोस्त। बिल्कुल साहब, आज तो हम परिंदों से ऊपर, देखो गाइस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा और हमें हो गया कम से कम एक घंटा चढ़ते चढ़ते और अभी हम जा रहे हैं ऊपर टॉप में। आप इसी को घुमा दो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए भाई, फाइनली पहुंच गए हम। इतनी मशक्कत करने के बाद हम पहुंच चुके मंदिर और ये रहा ऊपर मंदिर गेट वगैरह और हम फटाफट जाते हैं। और फिलहाल तो अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ वगैरह भी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और शाम का वक्त भी हो गया है। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली मंदिर। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर टॉप में और यहाँ पर देखो भक्तजन भाई काफ़ी भीड़ है और ये अपना दोस्त वगैरह मिला अभी हमारा सौरभ भाई। और क्या क्या चल रहा है? तो इतने टॉप में आने के बाद भाई क्या ही फीलिंग आ रही है? बहुत प्यारी फीलिंग आ गई, पूरी थकान मिट गई भाई इतने टॉप में आने के बाद। और ये रहा अपना मेन मंदिर। तो दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो ये हमारा टॉप में एक मंदिर है, मोहाली के सबसे ऊंची पहाड़ी पर मंदिर है। और यहाँ स्पेशली जो मंदिर है वो अपने सैम देवता जी का मंदिर है और साथ में धोल जी का मंदिर भी है और भैरव जी का भी मंदिर है यहाँ पर और माता के मंदिर है यहाँ पर। तो अभी हम एक एक करके दर्शन कराते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर पंडित जी है उनसे यहाँ पर पूछेंगे कि अब ये मंदिर की कहानी वगैरह क्या है। तो दोस्तों ये रहा भी जो सबसे प्राचीन मंदिर हमारा सैम देवता जी का, यही है आप देख सकते हैं मंदिर वगैरह के। हमने मंदिर वगैरह के दर्शन कर लिए हैं और अभी यहाँ पर भी हैं खूब ढेर सारे मंदिर दो तीन जगह, तो अभी यहाँ भी करते हैं हम दर्शन। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पर तो अभी काफ़ी भीड़ वगैरह हो रही है जी और यहाँ पर जो एक नाम है ब्रह्मा टॉप कहते हैं इधर मोहाली में, तो ये मोहाली की शायद सबसे ऊंची चोटी है जी सर। हाँ तो पंडित जी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर हमारा ब्लॉग, तो हमें कुछ जानकारी दीजिए यहाँ पर, आप बताइए थोड़ी मंदिर का इतिहास वगैरह क्या है यहाँ पर। इस मंदिर के एक्चुअली जो शुरू में ये स्थापना हुई थी आप देखें छोटे से मंदिर को देखेंगे ब्रह्मा, इसका कितने मेरे को तो लगता है कि कम से कम 50 साल प्लस जी कितना होना चाहिए जी। कोई यहाँ आगे अल्मोड़े के थे वो जी। पांडे जी, केशव पांडे जी जी, तो बर्मा में करते थे जॉब। अच्छा, तो जब बर्मा वार हुआ तो वहाँ से वो वापस आ गए थे घर जी। घर उसकी कुछ जमीन वमीन जो थी, जमीन वगैरह लूट ली या क्या हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। तो फिर सैम जी उनके सपने में आए कि बोले कि मेरे को ऐसी ऐसी जगह पर तो स्थापना करा दे जी, तो हम तुम्हारी
तेरी जमीन में तेरे को जुड़वा दूंगा जी। तो उसके बाद वो आए तो उनने यहाँ पर 12 साल तपस्या की पूरे भाषी जंगल में, मतलब ये कोई न मंदिर न कुछ, एक सिर्फ एक ढूंढी थी, एक कांच की उनने झोपड़ी बनाई थी यहाँ जी, और खाना कुछ नहीं खाया था, सारा आग का गोला आटे का गोला डाल के उसी को सेवन करते थे। यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे जाते थे पैदल, वहीं से नहा धो के नंगे पाँव पानी लेके यहाँ पर शांति को नहा। अच्छा, तो उसके बाद तब से चलते रहा, बीच में हमको भी पता नहीं था, एक दिन हमारे पिताजी यहाँ पर भवानी गुरानी जी वो आए, भोग भोग लगाया उनने, तो भोग लगाने के बाद वो बोल जी के अवतार था उनके ऊपर, तो भोग लगाया तो उनको पता नहीं क्या एहसास हुआ, तो फिर 2006 में 5 में हमने ये मंदिर बनवाया। अच्छा, 5 में ये मंदिर बनाओ के फिर ये स्वयं जी की स्थापना इस पर की गई, और फिर 14 में हमने वो वाला गुलजू का मंदिर चंपाव से गुलजू लेके आए। अच्छा, हाँ 14 में फिर उसकी स्थापना की। 14 से लगभग हर बारी ये कोविड के कारण उस बीच नहीं हो पाया जी, इस साल का नहीं, तो हर साल ही 9 नवंबर को हमारा जागरण दात की जागरण होती है जी, देवताओं का अवतार किया जाता है, और सुबह 10 तारीख की सुबह स्नान वगैरह करा करो के देवताओं का अवतार करा के स्नान करा के उसके बाद हम भंडारे का आयोजन करते हैं हवन। तो पंडित जी हर साल 9 तारीख को, 9 तारीख हर 9 तारीख को जागरण का जी, जागरण का 10 तारीख को भंडारा। धन्यवाद पंडित, जन सहयोग की वजह से पूरा जन सहयोग से हम करा ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद। तो पंडित जी ने बता दिया भैया कि कैसे वगैरह सहन देता यहाँ पर स्थापना की थी, तो जब वर्मा वार हुआ था तो यहाँ पर आए हुए थे, और जो आटा होता है उसे गोले बना के तो भैया वही सेक के खाते थे वो लोग, तो यहाँ पर बहुत अच्छा बताया, और ये भी बताया कि यार यहाँ पर जागर वगैरह लगी थी कल रात वगैरह, तो कल रात तो मैं आ नहीं पाया था, और यहाँ पर जागर वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो जिससे क्या है एक रात पहले तो सैम देवता जी हमारे, तो उनको अवतरित किया जाता है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम आ गए यहाँ पर धुनी में, और कल रात यहाँ पर ही पूरा जागर वगैरह लगी थी इधर, तो यहाँ ये रहे हमारे सौरभ भाई, तो इन्होंने कल रात आए थे यहाँ पर, तो इन्होंने हमें वीडियोस वगैरह दे दी हैं, तो अभी दिखाते हैं हम। अभी हमारे जोशीदा यहाँ पर खाए थे प्रसाद वगैरह, तो उन्होंने पेट वगैरह भर लिया है, तो इनसे पूछते हैं भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। प्राचीन काल में यहाँ पर जो है हमारे पीछे भैया थोड़ा जरूर में ये जो पत्थरों की शिला है इसके पीछे हमारा जो पुराना मंदिर है। अच्छा, तो बहुत पुराना मंदिर है, तो मतलब मेन मंदिर वही है, मेन मंदिर हमारा ये पुराना पत्थरों का है। अच्छा, उसके बाद उधर जो आप बड़ा मंदिर देख रहे हैं वो सामने देखिए जो बड़ा मंदिर देख रहे हैं वो जो है शांति कॉलोनी में देवी का मंदिर बनाया था। अच्छा, उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने, देखो स्टेट ग्रामीणों ने और भवाली के जो दानवीर जो लोग हैं धार्मिक लोग हैं उन लोगों ने जो है आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग जैसा भी सहयोग हुआ बिल्कुल उससे ये पुराना हमारा जो बड़ा मंदिर बनाया गया। पहले जो है 9 जनवरी को यहाँ पर जो है सैन देवता की विशाल मूर्ति यहाँ पर लाई गई थी और यहाँ पर स्थापित की गई थी, इसी उपलक्ष्य में जो है सैन देवता का जो है यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी जी 9 जनवरी को मनाया जाता है। रात्रि यहाँ पर जागरण लगाई गई थी सैन देवता की, जिसमें साक्षात सैन देवता अवतरित हुए थे, और जो है यहाँ पर बहुत करीब करीब सैकड़ों लोग, ये मान लीजिए 800 से 1200 लोग रात को यहाँ पर रुके, यहाँ पर जागरण में रुके और जागरण का आनंद लिया। जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है पूजा अर्चना की जाती है, उसका कन्या पूजन किया गया यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है भंडारा वगैरह किया गया है, तभी आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। और क्या हाल है ब्रो? बढ़िया है, ये देखो अगले अगले खीर यार और कॉफी पिलाएंगे आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी यहाँ पर यह है मंदिर का प्रसाद वगैरह बनना इधर यहाँ पे पूरिया वगैरह के लिए। कितनी भीड़ वगैरह यहाँ पे कितनी है सुबह से? 250 लोग। अच्छा, 250 लोग अभी आ चुके हैं। हाँ तो अभी तो आने में लगे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। और अभी हमें भाई ने कॉफ़ी वगैरह करवा दिया,
तो ये मंदिर की खीर प्रसाद के लिए और ये अपना हलवा और ये खिचड़ी यहाँ पर और यहाँ पर ये आलू बड़ी है सब्जी न्यूट्रीला वगैरह की। तो प्रसाद वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बन रहा है और सर भी बता रहे थे कि भैया यहाँ पर 250 से ऊपर अभी आ चुके हैं और कल रात की जो भीड़ गैदरिंग बताई जा रही है वो बताई जा रही है कम से कम 800-900 बजे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद वगैरह ग्रहण करने और यहाँ पर अभी बैठे हैं भैया हमारे तो हम भी बैठ जाते हैं इधर हमारे भाई लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं अभी। तो ये लगा दिया पत्तल वगैरह। तो फाइनली हमने मंदिर का शूट करने के बाद अब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए ये भैया लोग देखो सेवा में लगे पड़े हैं सभी लोग यहाँ पर। अभी हमने प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया है तो अब हम जा रहे हैं घर को और आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम जाते हैं हम घर की ओर और एक बार बोलो जय जय सिंधुता की जय। तो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो बाय।